हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी निकल रहा हूँ मैं यहाँ से राइड के लिए। आज संडे है तो संडे राइड पर निकलना है अभी। तो अभी कहाँ जा रहे हैं अभी मैंने भी कुछ डिसाइड नहीं किया है, तो अभी चलते हैं यहाँ से और पता चल जाएगा कहाँ निकलना है कहाँ नहीं निकलना है। रास्ते पे चलते चलते ही डिसाइड करूँगा। एक किला मेरे ध्यान में आया तो है सोलन में बंसार फोर्ट, पता नहीं शायद बंसारी है और क्या नाम है, मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा, शायद बंसारी है। देखते हैं वहाँ पहुँच भी पाते हैं नहीं, अब लोगों से पूछ के जाना पड़ेगा या नहीं तो फिर मेरे को गूगल मैप के हिसाब से चलना पड़ेगा। और जहाँ मुझे जल्दी पहुँचना चाहिए था वहाँ बड़ा लेट ही हो गया, क्योंकि ये बार बार कोई भी मैं मोड़ अगर आगे निकल जाता था तो मेरे को दूसरा रोड दिखा रहा है गूगल बार बार, और उसी में ही मेरा डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है, टाइम भी बढ़ता ही जा रहा है और बहुत ही लेट हो चुका हूँ। इसलिए अब देखता हूँ मैं सही रास्ते पर, एक दूसरे रास्ते से ही आया हूँ वैसे तो, कोई एक रास्ता तो मिल ही गया मेरे को। अब वहाँ से कितने टाइम लगता है, अभी निकलते हैं यहाँ से फिर। लगभग शिमला से निकले हुए मेरे को 2.5 घंटे हो चुके हैं और प्लान नहीं होने की वजह से भी काफ़ी मतलब टाइम लग रहा है मेरे को। और अभी जिस जगह जाना है वहाँ पर पहुँचने के लिए मुझे लगभग 50 मिनट और चाहिए, 50 से घंटा भर और चाहिए मतलब। एक तो पहले गया नहीं हूँ इसलिए रोड ही मेरे को पता नहीं है, तो कई बार गलत रोड में चले जा रहा हूँ, गूगल मैप भी सही से बता नहीं रहा, तो गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। चलो देखते हैं कितनी देर में पहुँचाता है गूगल मैप। कई बार एकदम परफेक्ट चलता है, कई बार एकदम गलत चलता है, गूगल का ही पता नहीं चलता क्या है। और ये गाड़ियाँ बीच में ऐसे आती हैं ना अचानक ही। तो अभी मैं किस रोड पे जा रहा हूँ, ये है नाहन जाने वाली रोड और यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर है नाहन के लिए, पर अभी मेरा नाहन जाने का विचार नहीं है क्योंकि अभी बच्चों के पेपर चल रहे हैं और उनके साथ मुझे हमेशा रहना पड़ता है। अब देखते हैं कभी प्रोग्राम बनेगा तो फिर निकलेंगे यहाँ से, नाहन होते हुए अपना देहरादून होते हुए निकल जाएंगे हल्द्वानी नैनीताल। अब ये प्रोग्राम बना तो रहा हूँ पर कहते हैं ना प्रोग्राम बनाओ तो एकदम कुछ नहीं हो पाता है, जब जो होना तभी होगा, देखी जाएगी जब किस्मत होगी तब निकल जाएंगे। और मैं जब भी बाहर जाता हूँ, मैं कहीं दूर भी जाता हूँ तो मेरा मन करता है परिवार मेरे साथ हो, उनको भी मैं दिखाऊँ, तो उस टाइम पर मैं बाइक लेके तो जा नहीं सकता, गाड़ी लेकर ही जाऊँगा। बाइक में तो ये है कि अकेले जाओ या दो जन जाओ,
दो से ज्यादा तो जा ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा पिकनिक स्पॉट मेरे को दिख रहा है, यहाँ काफी लोग भी आए हुए हैं यहाँ पर, और एक छोटा सा लेक सा बना हुआ है यहाँ, गंदा सा पानी। और मैंने जाना कहीं और, तो निकलते हैं यहाँ से। बनासर फोर्ट कहाँ पर है? ये फोर्ट है ना यहाँ पर, एक किला, किला किला है ना यहाँ पर ऊपर वाले में। अच्छा अच्छा, थैंक यू। बनासर, बनासर फोर्ट की तरफ मैं आ चुका हूँ, गाड़ी चढ़ के जाना पड़ेगा मेरे को। तो देखो मैं वहां से आया हूँ, उधर मेरी बाइक खड़ी है, वहां नीचे एकदम नीचे काफी दूर है, और यहाँ से चढ़ते हुए ऊपर आया हूँ मैं, और कोई रोड नहीं। ये देखो सामने दिख रहा है आपको, छोटा सा किला सा नजर आ रहा है, वो है बनासर फोर्ट। पहुंच के देखते हैं ये कितना बड़ा किला है, छोटा है, कैसा है, चल के देखते हैं। मैं गलत तो नहीं जा रहा है, क्योंकि गलत जाना भी खतरनाक हो जाता है। कैसी कैसी जगह से जाना पड़ रहा है यार, सिर्फ एक ही पैर रख पा रहा हूँ। यहाँ से चलने का मतलब भाई साहब सीधा नीचे रोड पर। तो ये है वो फोर्ट जहाँ हमें जाना है। भाई साहब बहुत चढ़ा चढ़वा दी, और वो भी बिना रोड के। व्यू देख सकते हो आप कैसा लग रहा है, और यहाँ दूर तो कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेला ही हूँ इस वक्त। और यहाँ हवा बड़ी तेज चल रही है इस टाइम, बहुत ज्यादा हवा है, क्योंकि बहुत ही ऊंचाई पर है ये जो किला बना हुआ है ना, बहुत ज्यादा ऊंचा है। तो मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ किले के पास, आप देखते हैं यहाँ से फ्रंट गेट कौन सा है, इसका समझ में नहीं आ रहा, गेट ढूंढते हैं। ये सामने शायद गेट तो नहीं है क्या, देखते हैं यहाँ पर शायद गेट हो। नहीं ये गेट नहीं है, देखते हैं शायद आगे कहीं हो गेट, पता नहीं कहाँ पर है गेट इसका। ये किला भी बहुत अजीब से ही बना हुआ है एकदम, मतलब पूरा घेराव में बना हुआ है, और इसके अंदर जाने का रास्ता तक नजर नहीं आ रहा मुझे कहीं भी अभी भी। तो यहाँ से नीचे रोड है, और देखते हैं अभी तक मुझे गेट नजर नहीं आ रहा है कहाँ पर है इसका फ्रंट गेट जो है, शायद कहीं ना कहीं तो गेट होगा ही होगा, ढूंढ निकालूंगा चाहे जैसे भी हो, कहीं ना कहीं तो होगा ही गेट इसका। और एक तो यहाँ पर यह है कि चलने के लिए जगह भी ढंग की नहीं है, यहाँ पर बड़ी मुश्किल हो रही है इधर चलकर जाने में भी, कभी ऊपर कभी नीचे, कहीं से ऐसे निकलना पड़ रहा है मुझे, समझ में नहीं आ रहा कहाँ है इसका गेट। और मैं इस किले के बारे में बता दूं कि मैंने जो इस किले के बारे में सुना है, ये गोरखा महल के नाम से भी जाना जाता है, और ये गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने इसे बनवाया था 1815 ईस्वी में। तो इसको महल को बनवाने का कारण भी यही था कि यहाँ से ये ब्रिटिश सैनिकों पर नजर रख सकें, इसलिए इन्होंने ये बनवाया था। गोरखा सेनापति जो है अमर सिंह थापा ने जो बनवाया इसे 1815 में। और अभी आते वक्त मेरे को कई लोगों ने सावधान भी किया कि आप यहाँ जा तो रहे हैं पर अकेले हैं, और ज़रा सावधान रहना, क्योंकि एक तो रोड अच्छी नहीं है, ऊपर से यहाँ पर जानवर भी बहुत हैं,
लक्कड़ बग्घे और तेंदुए यहाँ मिल जाते हैं, अचानक ही आ जाते हैं, और किले के अंदर भी कई बार देखने को मिले हैं। अब देखते हैं अपनी किस्मत जैसा भी हो। तो वापस मैं वहीं आ गया हूँ जिस जगह पर पहले आया था। समझ में नहीं आ रहा ये, शायद यहाँ देखता हूँ इस तरफ। हाँ देखो ये राह पौड़ियाँ ऊपर जा रही है और मैं कहाँ घूम रहा, पूरा किला का परिक्रमा करके वापस आया हूँ अभी। देखते हैं कैसा है ये किला अंदर। ये तो बिल्कुल ही खंडर बन चुका है अंदर, और पूरा ही खंडर है यहाँ पर, बिल्कुल भूतिया खंडर जैसे लग रहा है एकदम ही, पूरा टूटा फूटा। और ऐसी जगह पे जानवर रहना तो पसंद करेंगे ही करेंगे इधर। गांव वाले जो कह रहे थे, मेरे को लग रहा है कि वाकई वो सही कह रहे थे कि यहाँ पर जानवर रहते हैं करके। तो देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा खंडर बन चुका है ये, यहाँ सारा का सारा टूटा फूटा पड़ा हुआ है। और इस वक्त मैं अकेले भी हूँ, थोड़ा सा डर तो लग रहा है वैसे, पर देखते हैं अंदर सारा चेक करते हैं क्या है क्या नहीं है। गांव वालों ने बोला था कि 2-3 बंदे साथ जाते हैं लोग, जो जाते हैं अकेले तो जाना भी खतरनाक हो जाता है, पर देखते हैं, वीडियो बनानी है, सावधानी से ही नज़र रखते हुए जाएंगे। पूरा खंडर हो चुका है, पूरा का पूरा खत्म है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, अगर इसको तरीके से बनाए तो टूरिस्ट भी काफी आएंगे। अब पुरानी धरोहर है, इसको बना के रखे। तो देख सकते हैं पूरे खंडर बन चुका है ये जगह, और कुछ भी यहाँ पर साबुत नहीं बचा हुआ है। अगर गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान दे और इसको दोबारा उस तरीके से बनवा दे तो टूरिस्ट यहाँ आ सकते हैं, और टूरिस्ट के आने के लिए भी थोड़ी रास्ता बनाना पड़ेगा इनको, गवर्नमेंट को। तो थोड़ा सा इतिहास का धरोहर है, उस पर ध्यान देना भी जरूरी है। और ये जो अभी जो खंडर नजर आ रहा है, इस एक वक्त यहाँ पर गोरखा सैनिक इकट्ठे होते होंगे और यहाँ से ब्रिटिश सैनिकों पर नजर रखते होंगे। तो लगाओ ये किला उसी हिसाब से बनाया गया था, एकदम ऊंचाई पर। और यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे का व्यू। तो देखा आप लोगों ने ये महल कैसे बनाया हुआ है, और यहाँ पर गोरखा किस तरीके से यहाँ से दुश्मनों पर नजर रखते थे, ब्रिटिश सैनिकों पर नजर रखते थे। और ये गोरखा सेनापति जो है अमर सिंह थापा, उन्होंने बनवाया था इसको, जो बनासर के महल के नाम से भी जाना जाता है, बनासर के किले के नाम से जाना जाता है। और ये सोलन हिमाचल प्रदेश में पड़ता है ये, और ये सोलन हिमाचल में आपका जो है परवानु और भोजनगर के बीच में ये पड़ता है ये जो महल है, जो आपका काफी ऊंचाई पर बनाया गया है इसको, और ये सिक्योरिटी पर्पज से बनाया गया था इसलिए इसको काफी ऊंचाई पर भी बनाया गया है। और ऊपर से व्यू ऐसा दिखता है देखो। अब यहाँ से मुझे उतरना है, तरीके से उतरना पड़ेगा, चढ़ाई कैसे चढ़ के आऊँ यार, बायगोड विश्वास नहीं करोगे आप लोग। सांस ऐसी चढ़ गई थी कि हालत तक आ गई थी, मेरा बुरी हो जाती है ऐसे में, पानी नहीं होता साथ में तो मुश्किल हो जाता है। यहाँ किक करके ही बहुत ज़्यादा ऐसे कांटे वाले पेड़ हुए हैं। इसमें भूरे कलर का एक, बैंगनी कलर का एक फल उगता है, मीठा होता है, शायद बच्चों को खाते देखा है ऐसे पेड़ों में से। ये एक बेर का पेड़ भी उगा हुआ है यहाँ पर, और क्या बोलते हैं काफल जैसा एक होता है, वो भी काफ़ी होते हैं यहाँ पर। अब रोड कहाँ था, मैं कहाँ से आया था, मुझे खुद चेक करना पड़ेगा। अरे बाबा भूल ना जाऊँ, ऐसे चढ़ के आया हूँ, उस टाइम पर हबड़ तबड़ चढ़ गया। तो वो रह गया पीछे किला, और मैं यहाँ पर अभी उतराई में हूँ, और इसको मेरे को बड़े ध्यान से उतरना पड़ेगा। थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ने वाला काम बड़ा गड़बड़ वाला काम है। तो भाई दूर से किले को राम राम, निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि खंडर ऐसा हो चुका है कि कोई देखना भी नहीं चाहेगा, पूरा खंडर हो चुका है, इसका कोई देख रेख नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सरकार का कोई ध्यान नहीं इस तरफ। अभी जो आ रहा हूँ कैसे पगडंडियों से कैसे बन बन के देख देख के आया हूँ मैं, और अभी जो नीचे उतरूंगा वो भी बड़ा बुरा हो जाएगा। ये चीड़ के जो
ये जो गिरे हुए ना ये बड़े फिसलन वाले होते हैं। अगर उतराई में उतरते वक्त ये बहुत ज़्यादा हुए तो आप फिसलते चले जाओगे इसमें। रास्ते से इतना अनजान हो गया हूँ कि अभी यहाँ से मैंने दूर से रोड पे देखा, बाइक मेरी उस तरफ खड़ी है, मेरे को उधर जाना है और वहाँ तक की उतराई कितनी खतरनाक है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। मतलब चलो कोई नहीं, नई जगह देखने के लिए थोड़ी मुश्किलें तो उठानी पड़ती है। अभी चलते चलते मैं आगे निकल गया था, रास्ता पता ही नहीं लग रहा था। ये तो शुक्र है कि ऊपर से देखने पे मेरे को नीचे बाइक नज़र आ गई, पेड़ के पीछे उधर खड़ी है बाइक। क्या ये देखो, तो पहाड़ों में ऐसी ही पगडंडियाँ होती हैं, इसमें संभल के चलना होता है आपको, क्योंकि ये छिड़के जो ये नीचे पत्ते ये गिरे होते हैं ना, ये डंडे हैं, ये सारी बड़ी चिकनाई वाली होती हैं और इसमें पैर पड़ा तो फिसल सकते हैं। मैं फ़ोन बंद करता हूँ, थोड़ा उतना ही मुश्किल जाएगी। ये देखो कितना प्यारा सा डॉग पड़ा हुआ है, ये रोड में गाड़ी के नीचे आ जाता है, इसको मैंने अभी साइड किया है। अब इसको देख कर मेरे को इतनी तरस आ रही है कि मैं सोच रहा हूँ इसको अपने साथ ही ले जाऊँ। तो देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, ये है कुत्ती ये, और पता नहीं किसका बच्चा है क्या है, कहीं आसपास कोई कुत्ता और तो नज़र नहीं आ रहा मेरे को। और गाड़ी के नीचे आते आते बच्चा है ये, इसको मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा छोड़ूंगा तो कहीं गाड़ी के नीचे ना आ जाए, और बहुत ही प्यारा क्यूट सा एकदम। तो मैं इसको अपने साथ ही ले जाता हूँ अब घर, अब मैं देखूँगा इसको घर पर पालूँगा इसको। ये भी पल जाएगा बेचारा, ठंड में कू कू कर रहा था, अब मेरे मैंने पकड़ा है ना तो एकदम शांत है। तो फिर निकलते हैं यहाँ से शिमला की ओर, अब यहाँ से लग जाएगा लगभग 3 घंटे। क्या चलो भाई, ये एक्शन कैमरा गिर गया था नीचे, गोप्रो जो मेरा हेलमेट से ही शुक्र है कि टूटा नहीं। बाकी तो घर जाके देखूंगा इसकी वीडियो सही से आ रही है नहीं आ रही है, या इसकी आवाज़ में कोई परेशानी तो नहीं है। और हेलमेट से एकदम पूरा उखड़ के नीचे गिर गया था एकदम ही, वो तो शुक्र है मेरा एकदम गिरते हुए मैंने एकदम अचानक ब्रेक मार दिया, पीछे से कोई गाड़ी नहीं आई। नहीं तो अच्छा खासा चपत लग जानी थी मेरी। तो फ्रेंड्स वीडियो को यही एंड करते हैं और फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।